लोकसभा चुनाव से आयन पहले हरियाणा में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कदावर जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद ब्रिजेंद्र ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के राज्य प्रमुख चौधरी उदयभान से मुलाकात की और कहा कि वे पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। चर्चा का कोई विषय नहीं, मैं पार्टी आज ज्वाइन की है तो हमारी पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष हैं जो पार्टी के, तो शिष्टाचार के नाते स्वाभाविक सी बात है उनसे मिलो। पार्टी के मजबूत करने की बातचीत क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। यार जिस पार्टी में उसको मजबूती करने की बात होती है, कमजोर करने की बात थोड़ी होती है। और भी नेताओं से मुलाकातें? हाँ करेंगे, सबसे करेंगे। बता दें कि 2019 में हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए ब्रिजेंद्र सिंह क्या इस बार भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो बीजेपी उनके सामने किसे उतारेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।